बहुत सी मिथ्स हैं अनफॉर्चुनेटली जो अनरिजॉल्व्ड हैं। मुझे लगता है कि ये मिथ्स कभी किसी ने उनके ऊपर फोकस नहीं किया, ना ही उनको सॉल्व करने की कोशिश की। एक सबसे बड़ी जो कॉमनेस्ट मिथ जो मैंने एक्सपीरियंस की है, एक तो हम कहते हैं कि जी ये कोई रिलीजियस इश्यूज़ की वजह से हुआ, इसीलिए। दूसरा मिथ ये है कि ये उन लोगों को होता है जो अल्लाह ताला शायद उनको सज़ा दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मिथ है। एक और मिथ है कि जी आप किसी को ना बताएं कि आपको कोई ज़हनी मर्ज़ है या कोई इमोशनल प्रॉब्लम है कि लोग आपको वीक समझेंगे, तो वीकनेस की वजह से कि लोग हमें वीक ना समझें, मुझे वीक ना समझें, तो आप इसी डिनाइल में रहते हैं। फिर एक और मिथ है जिसको हम बात करते हैं साइकोलॉजी में कि जी जिसको टेक्निकली हम कहते हैं इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी, कि नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ये कैसे हो, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। सो ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये हमें इस बात के लिए अपना जहन को खोलना पड़ेगा कि ये बीमारी है जो ना आपकी डिग्री देख रही है, ना आपकी कोई सोशल स्टेटस देख रही है, ना आपका कोई फाइनेंशियल स्टेटस देख रही है। इफ़ इट हैज़ टू हैपन, इट हैपन्स। और एक और मिथ जो है कि भाई ये ट्रीटेबल नहीं है, ये बहुत बड़ी मिथ है, और ये मुझे लगता है मिथ से ज़्यादा बैरियर है कि लोग इस वजह से कि नहीं भी ये तो ट्रीट ही नहीं हो सकता, इसका तो कोई इलाज ही नहीं होता, बस इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें, बस ये खुद ही इंसान मर जाएगा, उसको इलाज ना दें। सो ये मिथ से ज़्यादा अब हमारे लिए बैरियर बन गई हैं, और इस बैरियर की वजह से लोग डिले करते हैं इन सीकिंग एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल है, चाहे प्राइवेट लेवल है।